अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनसर्टेनिटी। लास्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड केस है। इसमें है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो गिवन है, और वो फिजिकल क्वांटिटी फार्मूले में हमारे पास अगर वो पावर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नाउ देखें, टी जो है हमारे पास, ये इसकी पावर आ रही है यहाँ पे, और अगर हमारे पास टी प्लस डेल टी गिवन है, प्लस माइनस डेल टी गिवन है, तो हमने इसको कैसे फाइंड करना है कि एस और इसके इससे जो टी पुट करेंगे यहाँ पे, टाइम पुट करने से हमारे पास जो एस में जो डिस्टेंस में हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी वो हमने कैसे फाइंड करनी है। या हमने अगर फर्ज करें हमारे पास वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और हमारे पास अगर रेडियस गिवन है स्फेयर का, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ देखें, आर अगर हमें आर गिवन है, आर प्लस माइनस डेल आर में, तो हमने इससे वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। तो चलिए मैं पहले जनरल केस करता हूँ और उसके बाद फिर हम एग्जांपल करेंगे, जैसे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एक स्फेयर का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं कहता हूँ जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, और इसमें अगर हमें कहता हूँ कि ए प्लस माइनस डेल ए है, ओके। और इसमें देखें, ये हमें जो एब्सोल्यूट गिवन है, क्या गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है या रिलेटिव या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, दोनों एक ही चीजें हैं, रिलेटिव अनसर्टेनिटी में, ओके। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं करूंगा ए प्लस माइनस डेल ए इंटू परसेंटेज, ओके। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, अब कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे दोबारा यहाँ पुट कर देना है ए प्लस माइनस डेल ए परसेंटेज की पावर एन, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है ए की पावर एन प्लस माइनस एन। अच्छा, ये जो पावर है, आपने पावर को क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, डेल ए इंटू परसेंटेज, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और ये हमारे पास बराबर होगी ए की पावर एन। इसको हम दोबारा कन्वर्ट भी कर सकते हैं प्लस माइनस। अच्छा, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने पावर से जो मल्टीप्लाई किया है, इसको आप दोबारा आप क्या कर दें, आप इसको एब्सोल्यूट में लेंगे डेल ए में, तो ये हमारे पास जो होगा जेड प्लस माइनस डेल जेड के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है, किसके लिए, आप पावर के लिए, ओके। तो इसके एक एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है अनसर्टेनिटी के साथ, और वो कहता है कि हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर चाहिए। तो इसमें सिंपल है ये, आपके पास रेडियस गिवन है, रेडियस आर प्लस डेल आर, और हमने इसे क्या फाइंड करना है, हमने इसे फाइंड करना है वॉल्यूम, ओके। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है वो इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू 4π/3 r³। तो ये देखें, आर जो हमारे पास रेडियस आ रहा है, किसमें आ रहा है, हमारे पास पावर में आ रहा है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये मेरे पास देखें कंबाइन इसके साथ यूनिट लिखा हुआ है, इसके साथ कंबाइन यूनिट है, देखें ये अनसर्टेनिटी के और मेजरमेंट के साथ 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको हमने फर्स्ट इसको कन्वर्ट करना है, इसको इसको हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो ओके, मैं इसको करता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, वो बराबर होगी किसके, 0.01 डिवाइडेड बाई मेजरमेंट 2.25 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो ये हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी बराबर इसके 0.44% के, 0.44% के, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास हो जाएगा वी इज इक्वल टू 4π/3 आर, हमारे पास कितना था, 2.25, तो 2.25। और अब देखें, ये हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, इसको हम यूनिट के साथ नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे कि इसका क्यूब प्लस माइनस पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी शुरू में, पावर क्या आ गई शुरू में, और पावर के साथ हम क्या लिखेंगे, हमारी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.44
0.44%। ओके तो ये मेरे पास v प्लस माइनस, और जो हमारे पास डेल v ये आ रही है परसेंट में, ये कितनी आएगी हमारे पास, हमारा जो वॉल्यूम आता है वो आता है 47.71 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस माइनस जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो हमारे पास आती है 1.33%। ओके अब हमने क्या करना है, हमने इसको क्या लेना है, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो लास्ट आया है वो रिलेशन ये है कि वी वॉल्यूम प्लस माइनस डेल वी परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो हमारे पास आ रही है 47.71। ये तो हमारे पास मेजरमेंट थी, जो वॉल्यूम आ गई ये वॉल्यूम है हमारे पास, और जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा प्लस माइनस 1.33%। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये 1.33, ये हमारे पास आ रही है किसमें, ये हमारे पास आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, किसमें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। ओके हमने अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एब्सोल्यूट में, परसेंटेज को करना है एब्सोल्यूट में। ये आपकी बार बार प्रैक्टिस भी हो रही है, आप इसे प्रैक्टिस करते जाएं। और ये देखें उसका ये था कि एब्सोल्यूट का जो फार्मूला था वो था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसको मैं बार बार अब लिख रहा हूँ। अच्छा ये बराबर है हमारे पास किसके, हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी के 1.33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, हमारे पास मेजरमेंट क्या है वॉल्यूम की, विच इज 47.7, 47.71। ओके तो इससे हमारे पास क्या आ जाती है, डेल वी आ जाएगी, जो हमारे पास आएगी कितनी, हमारे पास आती है 0.60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो जो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम प्लस माइनस डेल वी एब्सोल्यूट में है वो हमारे पास आ जाएगी 47.71 प्लस माइनस 0.60 होल के साथ यूनिट आ जाएगा। ओके ये हमने होल के साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें इसी रेडियस के साथ, और जो हाइट है आपने उसको रखना है। मैं आपको आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसमें है कि आपने एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ साइलेंडर, इसका साइलेंडर का आपने रेडियस यही रखना है, और रेडियस जो होगा वो आपके पास सेम है जो स्फेयर के लिए था, और जो हाइट होगी उसको आपने लेना है 1 cm। ओके और जो अनसर्टेनिटी है इसकी एब्सोल्यूट वो मैं साथ दे रहा हूँ 0.01 cm। ओके अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको खुद से अपने पास सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो सही गौर से देखी है तो आप ये वाला असाइनमेंट आप सॉल्व कर लेंगे। आपको ये फार्मूला बता देता हूँ, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ओके तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो भी देखें और पावर वाली भी, इन दोनों का इस्तेमाल होगा, इंशाल्लाह आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।